महागाई, बेरोजगारी, कंत्राटी भरतीच्या विरोधात आणि रिक्त पदाच्या भरतीसाठी आज युवक काँग्रेसच्या विधानभवनावर बेधडक जेलभरो मोर्चा काढण्यात आला. युवक काँग्रेसकडून सरकारच्या विरोधात प्रदर्शन करण्यात आलं. यावेळी काँग्रेसचे सर्वच मोठे नेते व हजारोच्या संख्येने युवक उपस्थित होते. आम्ही इथे आज नोकरी भरतीसाठी आलो इथे. ज्या प्रकारनी आम्हाला हे प्रशासन अरेस्ट करून चाललं आहे हे चांगलं नाहीये. आम्ही युवकांचा आवाज घेऊन आज इथे बाहेर अजून आम्हाला इथे पकड घेऊन गेले. ये किस तरीके के महाराष्ट्र में आप सबको पता है, बेरोजगारी के नाम पे युवा का विश्वासघात करने का काम कोई किया है? ये सरकार ने किया है क्यों? पेपर लीक बार बार नोटिफिकेशन के बाद पेपर लीक हो रहा है. बच्चे लोग इतना दिन भर रात तैयारी करता है एग्जाम लिखने के लिए, वहाँ पेपर लीक हो जाता है. उसके बाद इन लोग ने उसमें भी एप्लीकेशन का पैसा लूटने के लिए किस तरीके से इन लोग ने कर रहा है. यहाँ का जो सारे यहाँ से गुजरात भेजने का काम कर रहा है, या जो भी स्कीम आता है या जो भी फैक्ट्री लगता है जो भी आता है उसको गुजरात भेजने का काम कर रहा है. ये सरकार को महाराष्ट्र का युवा, महाराष्ट्र का छात्र और महाराष्ट्र का किसान, इनको सबक सिखाने का काम करेगा. जो युवाओं के प्रश्न है उसको लेकर और ये राज्य की जो परिस्थिति है, देश की जो परिस्थिति है, और उसमें युवाओं को और साथ में सामान्य जनता पे जो अन्याय हुआ है, सारे मुद्दों को लेकर, उसमें किसानों की बात है, उसमें मजदूरों की बात है, उसमें युवकों की बात है, उसमें महिलाओं के अत्याचार की बात है, सारे मुद्दों को लेकर ये युवक कांग्रेस का अधिकृत ये आंदोलन है. और आज ये हल्ला बोल ये विधानसभा पे मोर्चा है. और ये युवक कांग्रेस की हमेशा परंपरा रही है. या डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी साहब, वो 77 से 80 तक युवक कांग्रेस के अध्यक्ष थे और तब तो वो जमाना आंदोलन का था. मैं युवक कांग्रेस का अध्यक्ष था. जैसे कि मैंने बताया, लाठी गोली खाएंगे, इंदिरा जी को लाएंगे. और युवा जब लग जाता है आंदोलन में, युवा जब झोंक देता है अपनी ताकत, तो फिर वो सरकार को बदल के रखता है. और सरकार को बदल के रख दिया था.